भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सामान्य कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो काम देती है उसे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूरे ताकत से लड़ी, बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के जितने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया उसके परिणाम स्वरूप जनता का यह अपार आशीर्वाद मिला है और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार में रहकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया ये उसकी जीत है। और हम लोग पहले से ही आशान्वित थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान किया और उसके कारण ही हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफलता की ओर अग्रसर हैं। लीडर्स ने कहा कि हम भी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि भारी जीत मिलेगी, क्या ऐसे कारण है, सबसे बड़ा फैक्टर आप किसे मानते हैं? नहीं, सामान्य तौर पर ऐसा मान के चलना चाहिए कि कुल मिला के कृत्रिम रूप से कुछ लोगों ने झूठ की बैसाखी पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। वो माहौल कुछ लोगों तक सीमित था लेकिन जन कल्याणकारी नीतियां जिनका लाभ नीचे तक लोगों को मिला जनता पर उसका असर नहीं था और भारतीय जनता पार्टी को और जनता के बीच में नीचे जाकर देखने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो तो ऐसा ही मानते थे कि ऐसी ही जीत मिलेगी। लेकिन सामान्य तौर पर वातावरण इस प्रकार का रहता है तो व्यक्ति संभल कर बोलता है, लेकिन जो जीत मिली है उसको मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूं और कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी हम चुनाव आयोग का डेटा देख पा रहे हैं, आप भी अपनी सीट से करीब 1600 वोट से आगे चल रहे हैं, जीत की तरफ अग्रसर है, क्या कुछ आप अपनी भूमिका देखते हैं प्रदेश में? नहीं नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सामान्य कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो काम देती है उसे करते हैं, आगे भी जो काम देगी उसे करेंगे। आगे की कोई रूपरेखा विधायकों के साथ मीटिंग? अभी तो रिजल्ट आने दीजिए और पूरा परिणाम आएगा उसके बाद पार्टी बैठ के विचार करेगी आगे क्या करना है। आप भी चुनाव लड़े, आपके अब क्या केंद्र से आप राज्य में आए, चुनाव लड़े की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी क्या भूमिका? मैं पार्षद था तो पार्षद का काम कर रहा था, विधायक था तो विधायक का काम कर रहा था, फिर पार्टी का काम कर रहा था, फिर पार्टी ने कहा कि सांसद में जाओ संसद का काम करो वो कर रहा था, फिर पार्टी ने फिर कहा विधानसभा में आ जाओ तो विधानसभा में आ गया, पार्टी जहां भेज देगी वहां चला जाऊंगा। चुनाव के बीच में दौरान के ये सब मनगढ़ंत है, फर्जी है और बेबुनियाद है।